अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इस फीचर के बारे में नहीं जानते हैं तो क्या जानते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने इस फीचर को अभी अभी लॉन्च किया है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि नया फीचर है और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते हैं तो सही से इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इस फीचर से फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। मैं आ चुका हूं मोबाइल डिस्प्ले पे, तो सबसे पहले अपने व्हाट्सएप को ओपन करें। ओपन करेंगे उसके बाद यहां पे सबसे एक नया फीचर आया है। काफ़ी लोग घबरा जाते हैं, काफ़ी लोगों को पता नहीं कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे क्लिक करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आता है मैसेज का। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है वॉइस मैसेज का। यहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट वॉइस मैसेज करने का यहाँ पे ऑप्शन है। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, पहले से फीचर है, लेकिन काफ़ी लोग वीडियो मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो नहीं भेज पाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक बार क्लिक करेंगे इस माइक के ऑप्शन पे तो डायरेक्ट यहां से आप वीडियो मैसेज भेज सकते हैं। काफ़ी लोग का सवाल होता है भाई वीडियो मैसेज भेजो, तो यहां पे कुछ नहीं करना है, एक बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं वीडियो का ऑप्शन आ चुका है, यानी लोगो आ चुका है। तो यहां पे आपको क्लिक करके आप डायरेक्ट वीडियो मैसेज जो मैसेज भेजना चाहें जो भी मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप आसानी से वीडियो मैसेज कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ये बहुत आसान सा तरीका है। ये देख सकते हैं जिस तरह से वॉइस मैसेज मैं यहाँ पे भेजा हूँ उसी तरीके से यहाँ पे वीडियो मैसेज भी मैं भेज दिया हूँ। इस तरीके से आप इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे जो वीडियो का निशान आ गया है, काफ़ी लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाता है, वो घबरा जाते हैं भाई वॉइस मैसेज का ऑप्शन किधर गया। तो फिर से आप यहाँ पे एक बार क्लिक करके छोड़ देंगे तो ये वॉइस मैसेज का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा किससे बात हो रहा है, किससे ये चैट कर रहा है, तो आप आसानी से ये भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑप्शन आता है स्टोरेज एंड डाटा का, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से पता कर सकते हैं ये इंसान किससे ज़्यादा बात कर रहा है, किससे ज़्यादा चैट कर रहा है, या आप अपने बारे में चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मैनेज स्टोर का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करें। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जब नीचे आएंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर पे किसका नाम आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इससे बात होता है, इससे ज़्यादा आप मैसेज के जरिए कोई चीज़ भेजते हैं मंगवाते हैं, उसके बाद नीचे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे किससे ज़्यादा चैट कर रहे हैं और व्हाट्सएप के उस फीचर के बारे में पता कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस फीचर का फ़ायदा उठा सकें।